अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML CSS लेआउट। आज की वीडियो के अंदर हम डिव एंड स्पैन को जानेंगे कि डिव एंड स्पैन है क्या। अच्छा, डिव जो है ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में उस वर्क करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्पैन ये होता है ये सेपरेट करने के लिए, यानी किसी खास आइटम को सेपरेट करने के लिए। तो ये इनकी यानी एक किस्म की डेफिनेशन होगी। अच्छा, डिव एंड स्पैन को यूज़ कैसे करेंगे वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा पेज है और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो यानी ये टाइटल जो है मेन टाइटल और ये जो चीज़ है तो इस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाए। तो बॉर्डर किस तरह अप्लाई होता है ये देखें। हमने ये ऐड किया, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे हमने H1 को एक बॉर्डर दे दिया और H और P को बॉर्डर दे दिया। लेकिन ये बॉर्डर जो हैं ये आपको यहाँ पे सेपरेटली नज़र आ रहे हैं, अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। तो हम इनको एक यानी एक बॉर्डर के अंदर हम इन्हें कैसे देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चाहते हैं कि ये और ये जो चीज़ है ये हमें एक ही बॉर्डर के अंदर नज़र आए, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिव को। तो डिव हम कैसे इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अभी डिव इस्तेमाल करके दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम H1 और P को हम एक ही सेक्शन के अंदर यानी एक ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सबसे पहले डिव का टैग ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो एंड हो रहा है तो यहाँ पे मैं दूसरा यानी डिव को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे डिव को मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिव सेक्शन है ये देखें, यहाँ पे आपको यहाँ पे रेड एरो नज़र आ रहा है, यानी ये डिव यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यानी ये तमाम जो चीज़ है ये ग्रुप के अंदर आएगी। अब जो कुछ आप अप्लाई करेंगे वो इस पूरे हॉल पे अप्लाई होगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ करता हूँ एक क्लास दे देता हूँ। क्लास कौन सी देता हूँ, कोई भी दे देता हूँ जी, 1D यानी फर्स्ट डिव, जो आपको यानी ईजिली याद हो जाए, जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लास दे सकते हैं। ये हमने क्लास ऐड कर दी। अच्छा, अब हम अपनी CSS वाली फाइल में आ जाते हैं। अगर आपको CSS का नहीं पता तो आप हमारा पिछला कोर्स देखें, तमाम तरतीब से चल रहे हैं तो आपको वो तमाम चीज़ें समझ आ जाएगी। अच्छा, हमारी क्या है 1D यानी फर्स्ट डिव, और उसके बाद हमारा यानी हम इन ब्रैकेट्स को ऐड कर देते हैं। ब्रैकेट्स को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर, और हम कौन सा कलर दे देते हैं, हम कलर दे देते हैं ब्लू हमने कलर दे दिया। अच्छा, ब्लू हमारा बैकग्राउंड कलर है तो हम यहाँ पे इसे रेड ही दे देते हैं। तो सेव कर दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हम ऊपर ये नहीं होम का रेड है और दूसरे का ग्रीन है, तो अब हम रीलोड करेंगे तो यहाँ पे अच्छा ऑलरेडी इसके अंदर हमने दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गई। अच्छा, आप ये नहीं यहाँ पे पहले यहाँ आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते, आप D1 लिख सकते हैं, 1D नहीं लिख सकते क्योंकि वो अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए, मैंने मुझे प्रॉब्लम यानी ये फेस करनी पड़ रही थी तो मैंने ये तमाम पूरा सर्च किया तो मुझे यहाँ पर अभी इसका प्रोसेस मिल गया। अब ये देखिए, मैं D1 लिखा तो मैं यहाँ D1 किस साथ अप्लाई करता हूँ तो ये तमाम चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं 1D के साथ लिखता हूँ तो ये अप्लाई नहीं होती। यानी 1 pixel सॉलिड रेड कर देते हैं तो मैं सेव करता हूँ, मैंने बाकी चीज़ें ख़त्म कर दी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यानी नंबर के साथ आप क्लास को अगर डिफ़ाइन करेंगे तो ये नहीं होगा। तो ये देखें, अभी ये आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया, अब हमने नंबर ख़त्म किया तो ये देखें यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होगी। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको एक ग्रुप की शक्ल में ये चीज़ अप्लाई होकर नज़र आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग हम यानी 5 pixel दे देते हैं और हम वैसे ही क्लोज़ कर देते हैं, यानी हॉल अप्लाई हो तो ये हॉल अप्लाई पैडिंग होगी क्योंकि ये इसके बॉर्डर इनके अंदर जा रहा था तो पैडिंग यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, ये एक सेक्शन बन गया। चलिए, मैं आपको एक दूसरा सेक्शन बना के देता हूँ डिव के अंदर ही ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, क्योंकि वहाँ पर हमने पास कर दिया था। अच्छा, इसको हम DD के नाम से हम दे देते हैं, वैसे हो जाना चाहिए लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है। तो DD हम अभी यहाँ पर इसको हम अप्लाई करते हैं, .DD, और फिर हम बाकी चीज़ हम यही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर हम कलर हम ग्रीन कर देते हैं ताकि कोई थोड़ी सी फ़र्क महसूस हो। तो ये देखें हमारे नेक्स्ट है, तो ये देखें यहाँ पे हम ग्रीन हो गया हमारे पास आगे। तो इसके हम जो मार्जिन है, जो है मार्जिन टॉप जो है उसको हम थोड़ा सा कर देते हैं 2 pixel। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो ये मैंने आपको CSS के कोर्स में बताई। तो ये देखें, अभी यहाँ पे मार्जिन हमें मिल गया। अच्छा, तो ये हो गया ग्रुप की बात। अब हम कर रहे थे
स्पेन टैग जो यानी डेव की बात कर रहे थे पहले, तो अब हम स्पेन की बात करते हैं। स्पेन हमारे पास ये देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल इस एटम को हम पैराग्राफ में अलग करना चाहते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ये जो एटम है हम इसको पैराग्राफ में अलग तरह से शो कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, स्पेन टैग यूज़ करेंगे। अच्छा, स्पेन टैग ये हमने यूज़ किया तो हमने यहाँ तक हमें चाहिए यानी डिफरेंस चाहिए कुछ थोड़ा बहुत, तो हम यहाँ पे ऐसे स्पेन को क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम अब वो एटम ऐड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, ये एक स्पेन है, ये दो एलिमेंट को नहीं करेगा, एक ही करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्लास ऐड करते हैं एस नाम से, क्योंकि फिर अगर नंबर को मैं फाइंड करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अच्छा, ये देखें अब हम जो क्लास हमारी है वो एस है, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं, इसका कलर करते हैं, कलर जो है वो हम इसका तब्दील करके हम कर देते हैं, वैसे ब्लैक है तो हम रेड कर देते हैं। तो ये देखें ये जो लाइन है ये पूरी हमारे पास रेड हो चुकी है, इस पे आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको मैं बैकग्राउंड कर दूं या कुछ भी कर दूं, बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे सेव किया और ये किया, तो ये देखें बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो यानी ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पे करेंगी तो ये एक मखसूस आइटम को यानी कवर करता है, यानी एक ग्रुप के अंदर मखसूस आइटम को करता है, और वो जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ग्रुप कर सकता है। अच्छा, अगर हम इस डिव को यहाँ से ख़त्म कर दें और इस क्लास को यहाँ से ख़त्म कर दें, तो ये एक होल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये पूरा अप्लाई हो गया, एक एक यानी एक एक बॉर्डर के अंदर ये तमाम चीज़ें आएंगी, एक छत से सारे यानी तमाम आ गए। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये डिव एंड स्पेन है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।